accident. Wait, can I be sir? Of course, I have been late to take. Yes, sir, ma'am. In the Mehrunissa or Adhura film, I have a main lead, and in that I have done two characters. One Surya और next one is आफ्ताब. Surya ये character जो है वो new generation के ऊपर depend था, और आफ्ताब वाला है ना वो old generation, मतलब old age type था. तो ये story चालू होती है, और बहुत ही romantic horror, काफ़ी अच्छी movie है, और आप सब लोग देखिए, आप लोग बहुत enjoy करोगे और आपको ये movie बहुत entertain करेंगे. मैम आप बताइए अपने बारे में और कैसे अनुभव था काम करने के दौरान. माय नेम इज रिद्धि घोड़के, दिस इज माय फर्स्ट मूवी, दिस इज माय फर्स्ट मूवी एंड आई एम प्लेइंग अ रोल ऑफ मेहरुनिस्सा इन दिस मूवी. इट्स काइंड ऑफ अ ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर अस. आई होप यू लाइक इट. और ये बताइए कि क्या कहना चाहेंगे, जो कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं कितना रिसर्च किया, कितना नॉलेज गेन किया ये कैरेक्टर प्ले करने से पहले, आप कहना चाहेंगे आप. सर ये जैसे कि ये मेरा फर्स्ट मूवी है, इसमें मुझे बहुत दिक्कत आ गई थी शुरुआत में. पर जब राजू सर जी और बाकी के सब हमारे टीम मेम्बर्स, कैमरा मैन, सब लोग समझे थे हमें अच्छे से तरीके से, फिर बाद में सब आसानी से होते गया. जब माहौल बनता तो सब अपने आप. आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे, जो कैरेक्टर प्ले किया उसके बारे में कैसे रिसर्च किया, किस तरह से उसको. आई यूज्ड टू सी ओल्ड मूवीज ऑफ मूवी, मतलब फर्स्ट टाइम ही हम मूवी कर रहे थे, फिर पहले बहुत घबराहट होती थी, पर जब हमने करीब एक डेढ़ महीना रिहर्सल किया, फिर सब लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने लगे, सब लोग एक दूसरे की केयर करने लगे, फिर भाग लिए सब कुछ. मैडम आपको कैसा लगा मूवी करते समय? मैडम कोई, हाँ कोई अपना स्टोरी इसके साथ करते हुए कोई ऐसी घटना घटी हो जो शेयर करना चाहते हैं? कोई एक अच्छी ऐसी घटना आपको याद आ रही है जिसे कि आप अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? स्पेशली जब हमारा शूट था मिलना तेरा सॉन्ग का, तब मतलब वी वर नॉट एबल टू एक्सप्रेस द फीलिंग फॉर दैट सॉन्ग. तो मतलब सडनली द वेदर हैज बिकम ऑफ रेनी एंड we came in the mood for romantic mood and simply we did that. Are you comfortable while doing romance? सूर्या जी इसमें आपने दो किरदार निभाए हैं, एक आफ्ताब का और एक सर. Are you comfortable while doing a romance in the film that time, because this is your first film, that time you are comfortable? It was not as easy for me. Actually, my dad also used to come to see the show. So I was feared little bit. So I was not able to express my feelings for him, especially romance. चलिए चलिए क्या किल करना चाहेंगे जब ये लगेगा थिएटर में, दर्शक क्यों जाएं देखने के लिए, और क्या खास है, क्या यूएसपी होने वाला है आपको इस मूवी में? मतलब दोस्ती दिखाई देगी और हॉरर है, इसके सॉन्ग भी अच्छे हैं, कॉमेडी के कॉमेडी भी थोड़ी है, और ये आपको बहुत एंटरटेन करेगा. I would like to say that this movie is from Nasik and all the characters are from Nasik, especially me, thanks to Guttappa sir and Raju sir for giving us a big opportunity and for giving us a big opportunity to work in a movie. Or doesn't matter whether people like or not, but they should appreciate because we have been this first time.
क्या इस फिल्म लव जिहाद पर है? टाइटल सूर्या और मेहरुन्निसा की लव जिहाद, लव जिहाद हिंदू मुस्लिम आप लोग भूतों पे भी अरे नाम लग गया हॉरर फिल्म की अभी उसके शूटिंग के दौरान कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जहाँ पे आप लोग डरे हो डरा डरा एक्चुअली वेयर वी यूज्ड टू सी दैट प्लेस वाज ओनली हॉरर वी यूज्ड टू फील समथिंग वियर्ड इन दैट स्पेशली इन नाइट एक्सीडेंट काफी सारे हो गए थे एक बार माही हमने भी चोट लगी थी उसके बाद एक बार हमने भी चक्कर आके गिर गई थी तो वहाँ बहुत किस्से होते थे रात को आवाज़ आ रही थी और आज म्यूजिक लॉन्च हुआ है एक कदम आप आगे बढ़े हो कितनी खुशी हो रही क्या कहना चाहोगे ओवरऑल इस इवेंट को लेकर ये मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा दिन है जो परसों से सपना था वो आज मेरे परम मित्र इनकी एक पहल से और इनकी कोशिशों से आज वो पूरा हो रहा है कि एक फिल्म बनी और इसके साथ खुशी की बात ये भी है मेरे साथ कई कलाकारों को भी उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म दिया है इस बात की खुशी है और इस बात की भी खुशी है कि मेरे जो परम मित्र है एक नए बिजनेस में आ रहे हैं और उन्होंने उस बिजनेस का एक महत्वपूर्ण कदम पूरा कर लिया है इस बात की खुशी है मुझे फिल्म इसलिए आप लोगों ने देखनी चाहिए कि इसमें जीवन के हर रंग आप सभी को मिलेगा हॉरर फिल्म ऐसी होनी चाहिए क्या होनी चाहिए कई लोगों की अलग अलग कल्पना है लेकिन हमने एक बहुत ही बेहतरीन बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी और बहुत ही खूबसूरत हॉरर स्टोरी आप कहेंगे हॉरर स्टोरीज खूबसूरत कैसे हो सकती है लेकिन आप देखेंगे तो महसूस करेंगे कि वाकई ये एक खूबसूरत कहानी है और सभी लोग इससे प्यार करें आज इसका म्यूजिक लॉन्चिंग है गाने के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए क्या कौन सा गाना आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा इसमें सभी गाने बहुत ही खूबसूरत बहुत ही सुंदर बहुत ही मधुर है और इन गानों में मिलना तेरा मुझसे ये गाना मुझे बहुत पसंद आता है मुझे ये क्या सभी को पसंद आता है आप लोगों भी सुनेंगे बहुत ही पसंद करेंगे इस गाने का संगीत दो संगीतकारों ने दिया है एक अनिरुद्ध अक्षय और एक है एम दीपक दोनों ने ही अपने तरीके से काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी उमदा संगीत देने की कोशिश की है और बहुत ही श्रवणीय संगीत है इस फिल्म का आप सभी को बहुत अच्छा लगा अपा साहब आप क्या कहना चाहोगे अपने दर्शकों से क्या कहना चाहोगे दर्शकों से यही विनती है मेरी जो हमने सूर्या और मेहरुन्निसा का अधूरा मिलन बनाया है जो नए कलाकार ने भी बना हुआ है सब दर्शकों ने हमको बहुत सारा सपोर्ट करना चाहिए इसलिए कि हमने नए कलाकारों को ये प्लेटफॉर्म दिया है और दूसरा आगे ये पिक्चर चलेगी तो मैं आगे फिर से दूसरी पिक्चर करना चाहता हूँ तो इसलिए दर्शकों ने ये पिक्चर देख के आगे का पिक्चर का भी डिसीजन आज ही लेना चाहिए तो जैसे आपने कहा कि पिक्चर चलेगी तो फिर मैं आगे बनाऊंगा अगर नहीं चलेगी तो नहीं बनाएंगे तो भी बनाएंगे अपन साहब आपने ना चलिए पक्का किया है तो ये इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री में आना है मेरे को हमारे प्रोड्यूसर साहब एक जिंदा दिल इंसान नहीं स्टार कास्ट भी रहेंगे उसमें अभी जो फिल्म आने वाली उसमें स्टार कास्ट भी रहेंगे प्रमोशन होगा वो बताइए प्रमोशन किस तरह का करेंगे आप फिल्म को पता चलेगा अभी तो हमको पूरा पता चला हुआ है ये मूवी बनाने के बारे में पहले ये मूवी सूर्या और मेहरुन्निसा बनाते समय हमको थोड़ा नॉलेज नहीं था उसके हमको थोड़ी दिक्कतें आई लेकिन अगली मूवीज में हमको ये दिक्कतें आएंगी नहीं हम बहुत सारे एडवर्टाइजिंग करके उसको पिक्चर लाएंगे तो अपा सर ये पहली फिल्म है आपकी एज ए प्रोड्यूसर और आपने हॉरर फिल्म ही क्यों चुना हॉरर कमर्शियल भी चुन सकते उसको आप देखने के बाद उसको आपको पता चलेगा हॉरर नहीं है ये आत्मा एक हवेली रहती है उसमें आत्मा तो हॉरर ही होता है ना आत्मा ये बहुत सारी रहती है उसमें ये प्रॉपर्टी मैटर रहता है प्रॉपर्टी मैटर में रॉकेट साइंस वाला आत्मा है हाँ देखो आप देखो देखने के बाद पता चलेगा आपको ऐसे कोई डरवाना डराने के बारे में नहीं किया हुआ है ये मतलब एंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट पैरिस हॉरर स्टोरी चलिए व्यूअर से क्या कहना चाहेंगे आखिरी सवाल व्यूअर से क्या कहना चाहेंगे चलते चलते अपने दर्शकों से क्या उम्मीद करना चाहिए दर्शकों से यही उम्मीद है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों ने ये मूवी देखना चाहिए
आखिरी सवाल आपका साहब, इसमें आपने एक कैरेक्टर भी निभाया है, उसके बारे में खाली एक शब्द बोल दीजिए। कुछ नहीं, वो तो हो गए, कैरेक्टर में थोड़ी बनने वाला था लेकिन बना गया है। आगे भी आप कैरेक्टर बनते रहेंगे? चलेंगे, वो तो करना ही है, थोड़ा वो तो रहना चाहिए। अगली पिक्चर हम लोग उम्मीद करेंगे, जैसे सुभाष गए रहते थे हर मूवीज में, थोड़ा थोड़ा इंटरटेनमेंट देते थे, वही सही बात। मैं दर्शकों से अपील करना चाहूंगा कि कई नए उभरते हुए कलाकारों को एक नया प्लेटफॉर्म हमारे आपा साहब ने दिया है, जिसके जरिए इतने सारे नए कलाकार आप लोगों के सामने आ रहे हैं, तो नए लोगों की कलाओं को भी आप सराहने की कोशिश कीजिए और उन्हें एक नया मौका दीजिए। इस कारण इस फिल्म को आप जरूर देखिए और इस फिल्म का संगीत जरूर सुनिए, आप लोगों को सभी को बहुत बहुत पसंद आए। चलिए, थैंक यू। मेरा ऐसा म्यूजिक, मतलब ऐसा ऐसा फील्ड है, ऐसा सिचुएशन है, ये सब से मुझे गाना बैकग्राउंड करना है, धीरे धीरे बजते रहे, ठीक है, वो इस सबसे हमने संगीत बनाया। उनकर साहब ने मुझे वो मौका दिए, उसके बाद पसंद दीजिए, उन्होंने गाए। आज म्यूजिक लॉन्च है और म्यूजिक लॉन्च पे म्यूजिक डायरेक्टर हीरो होता है, मतलब दूल्हा होता है। आज आज इवेंट में आप दूल्हे हो, आपको चेहरे पे अभी अभी हंसी आई है, इसके पहले चेहरे पे हंसी नहीं थी, तो कितनी खुशी हो रही है म्यूजिक लॉन्च पे आपके, आपका आपका बनाया हुआ गाना आज लॉन्च हो रहा है। लॉन्च हो रहा है, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है और ये गाना लोग पसंद करे और सबको अच्छा लगे। चलिए मैडम, आप बताइए, अपना परिचय बताइए और गाने के बारे में बताइए। परिचय बताइए, मेरा नाम बसंती जी है। ये जो फिल्म का, इस फिल्म का मैंने गाना गाया है, रूह को मेरी सदियों से तेरा इंतज़ार। तो मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ साहब की, देवकर साहब की, जिन्होंने मुझे मौका दिया है और बहुत ही खूबसूरत गीत लिखा है उन्होंने, उनके भी शुक्रगुजार हूँ तुम्हारी की। और दीपक साहब ने जो कंपोज किया है ना, वो पूरी अपनी जान डाल दी उस गाने में, इसलिए मैं हमेशा मुझे याद रहेगा ये गाना, जिंदगी भर ये गाना मुझे गाने को मिला देवकर साहब की। मैडम आप क्या बोलोगे? मेरे पास शब्द नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, जिंदगी में मेरा सबसे बड़ा और तब नहीं, फिर भी मुझको कुछ कहना है, मुझको कहना है कि हमारे फिल्म के जो प्रोड्यूसर है श्री गुंडप्पा नौकरी सर, उन्होंने हमारे डायरेक्टर सर श्री सर सर जी, इनको आमंत्रित किया ये फिल्म बनाने के लिए, और फिर सर जी ने बहुत कड़ी मेहनत करके हम सबको बहुत अच्छा सुनहरा मौका दिया है। और सुनहरा इसलिए क्योंकि नासिक में अभी तक मराठी फिल्म बनती थी, रिलीज भी होती थी, लेकिन हिंदी बॉलीवुड फिल्म वो पहली बार हमारे साथ बनाई, और एक एक रिकॉर्डिंग नासिक में से हिंदी फिल्म एक सामान्य इंसान ने बनाई है, और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। बंद कर, इनके सब गाने मुझको लिखने के लिए मिली, और जब सर मेरे पास आए कि आपको ऐसा ऐसा करना है, बॉलीवुड का नाम सुनते मुझे बहुत खुशी होती है, बचपन का सपना था मेरा वो अभी पहले आप कर लीजिए, जैसे कंफर्टेबल हो। नहीं वो माइक लेंगे तो अच्छा होगा, माइक पे माइक ऐसे ही रहने दीजिए। फिल्म में ये सब ऑडियो नहीं, और दूसरा ले लो। असद बोला ना, असद बोला था, आराम से देख, फोन दो आप आराम से, अगर ये कैच करो उसको। मेरी सदियों से क्या बात।